अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों के जी स्कूल का टाइम है, तो बस इनको स्कूल छोड़ के आज करने हैं बड़े सारे काम शाम। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ निकलो। तो यहाँ पे जी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के, तो फिर मैं इधर आई, कस्टमर के पार्सल पोस्ट करने थे वो किए, और ये देखें ये मैंने लिया है करशी का जुशांदा, जोहर जुशांदा। देखो हैं मज़ेदार, ले के आ फिर, ये मैंने पूरा ही लेके जाना है उस्मान। ये देखें जी ये तरबूज, जैन ने मुझे कितने दिनों से कह रही थी चल भाई। ये देखें ये तरबूज है, ये मैं लेके जा रही हूँ। ये चलो उस्मान ने काटा है बड़ी मेहनत के साथ, पहले इसको धोया है फिर इसको काटा है। तो ये देखें आज हम लेके जाएंगे शोल्डर, और शोल्डर का देखें फिर हम क्या बनाएंगे, ये घर जाएंगे तो डिसाइड करेंगे। तो मैं वसीम और लाइबा जी हम जा रहे हैं टाउन, मेरे कुछ ज़रूरी काम हैं वो भी करने हैं, और साथ लाइबा की कटिंग करवानी है। तो मौसम देखें आज अच्छा है माशाल्लाह, धूप भी है बादल भी हैं, तो बारिश आएगी जिसले बच्चों की छुट्टी का टाइम होएगा उस टाइम पे। और जो शानदार सुबह मैं लेके आई वो मैंने पिया, कुछ मुझे फ़र्क लग रहा है, पहले से पहले तो खंग रोक दी नहीं सी पई। और गाड़ी चला रहे हैं जी वसीम साहब। तो ये लें जी, ये हैं इधर वसीम बैठे हुए, नवी गड्डी चला रहे हैं, चेक कर रहे हैं कुछ चीज़ें, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने तो कभी इतनी सुबह इसकी वो बुक पढ़ ना, इतने सिस्टम है इसके माशाल्लाह। तो शुक्र है अल्लाह पाक का जी, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। पहले दिन जिस दिन हम गाड़ी देखने गए ना, सानू ऐ ही नहीं सी लभदा पिया सी चाबी कितने चाबी कितने लगनी है, सी लब लब के खप गए। फिर हमने गूगल किया, बैठ के हमने यूट्यूब पे देखा, क्योंकि वो तो ना शोरूम जरा दफ्तर उन्होंने दूर सी, मैं क्या फिर जाएं जाके उनको बुला के लाएं, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना फिर हमें ये मिला। तो बस कुछ ना पूछो, तो शुक्र है जी अल्लाह पाक का, जितना शुक्र अदा करना चाहिए कम है। तो बस आप सबकी दुआएं और जो मेरी मेहनत है, वो कहते हैं ना कि दुआएं और मेहनत मिल के जो रंग जब लेके आती फिर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, और बहुत मुझे मैसेज आए हुए थे मुबारकबाद के, खैर मुबारक, और बस इसी तरह से दुआ करते रहें। तो अब इंशाल्लाह जो अगला मेरा है, एक वो कहते हैं इंसान एक गोल सेट करता है, तो गाड़ी का तो खैर मैंने नहीं था सेट किया हुआ, गाड़ी तो अभी मैनू लेनी पड़ेगी है ना, गाड़ी तो लेनी पड़ गई एकदम से। बस जो गोल है सेट वो है हमारा जो हमने अपना घर लेना है, तो बस उसके लिए मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। शानदार सवारी अल्लाह की नेमतों में से है, शानदार कुशीदा बड़ा घर जो है वो अल्लाह पाक की नेमतों में से, तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। तो शुक्र अदा करती हूँ जब भी बैठती हूँ उस गाड़ी में, ये कहती हूँ कि शुक्र अल्लाह पाक का, कि मैं तो सोचा नहीं सी कि इतनी जल्दी जो है ना इंज की गड्डी जड़ी है ना वो मेरी होएगी इन चीज़ों का ना कुछ था भी नहीं जहन में, कभी भी नहीं रहा। तो बस ये वसीम ने काफ़ी सर्च की, हालांकि इनको पता कि मैं घर आके पसंद करके आके मैंने माइंड चेंज कर लिया, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेनी, मैं मान ही नहीं थी रही, मैं कहती कि नहीं महंगी, मुझे महंगी लगे, मुझे ये था घर का करना है, घर का भी साथ साथ चल रहा है, तो बस फिर वो था कि ये ना हो गए सस्ती गाड़ी लेके तो फिर जो है ना उसके ऊपर डबल पैसे लगते रहे, तो सोचा कि एक दफ़ा फिर बंदा अच्छी ले ले ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून रहे। तो हम पहुँच गए हैं जी टाउन, खैर से वसीम और लाइबा पीछे आ रहे हैं, आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ। टाउन में तो बिल्कुल भी रश नहीं है, खामोशी है, देखो लोग कामों काजों पे है ना, बच्चे स्कूल, वीकेंड पे होता है रश। लाइबा वसीम को दिखा रही है कि लाइबा ने कौन सा हेयर कट करवाना है। ये देखें जी यहाँ पे पड़े होते हैं ये ऊद वगैरह, ये शॉप जबरदस्त, यहाँ से ऊद मिलते हैं देखो। और यहाँ पे जी बड़े अच्छे हैंडबैग्स जो थे लगे हुए थे 50% ऑफ पे, ये ग्रीन वाला भी बड़ा ज़बरदस्त था, और जो है ये ब्राउन वाला भी, ये भी बड़ा अच्छा था। तो गला देखो मेरा हले भी ख़राब जे, कितने दिन हो गए ये वो लोग ना ट्यूसडे 1 pound की लगी हुई है सारी, ये देखो 1 की इधर इधर, ये लाभ यहाँ पे इनकी प्राइस चेक करो कितनी कितनी है फिर मैं देखती हूँ लाइव। और यहाँ पे ये नेकलेस वगैरह लगे हुए थे, ये लाइबा जैनब अनम को बड़े पसंद है, और 50% ऑफ लगे हुए थे तो मैंने यहाँ से इनके लिए एक एक ले लिया, रिंग्स भी लगी हुई थी पर रिंग्स नहीं मैंने ली। तो यहाँ पे जी फ्रांस का कोई ट्रिप आया हुआ था कॉलेज का या हाई स्कूल का, तो बस पीले पीले बैग बड़े नज़र आते पे सन,
और मैं यहाँ पे गई थी कैश निकलवाने कैश मशीन से, क्योंकि वो जो हेयर ड्रेसर है ना वो कैश ही लेते हैं। तो यहाँ पे जी लाइबा को मैंने ड्रॉप किया था, तो देखते हैं जाके अभी उसकी कटिंग वगैरह नज़र आ गया था मुझे कि हो रही है। वो देखें वो लगी हुई थी लाइबा की कटिंग करने, तो लाइबा ने कटवाने थे जी लेयर्स में और बड़ा अच्छा उसका हेयर कट हुआ। तो अभी जब फाइनल हो जाएगा ये देखें, ये फिर सारे उसने कर्ल जो थे ना वो उसने डाले, तो बड़े अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह से। हाँ इतने नाइस माशाल्लाह, बड़ा बिजी है इनका। और वसीम थे जी टीके मैक्स पे, वहाँ से हमने जाके वसीम को पिक किया, फिर वो कुछ देख रहे थे। तो यहाँ लाल मफिन रहे थे। थैंक यू लाइबा। ये देखें जी ये हलाल है, ये हमारे टाउन में ये रेडिंग में जो मफिन ब्रेक, तो ये हलाल है लिखा हुआ है, हलाल अवेलेबल। ठीक है रेडिंग वाले, मेरा काम से तुम दसना तो ताड़ा काम है इतों आके खाना। यहीं से खा लो सैंडविच वगैरह ना, ये ठीक रहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ लाइबा? और ये वाला, तो ये देखें जी ये सब हलाल है यहाँ पे मफिन ब्रेक में। ये ना ये जो चॉकलेट वाला ये हाँ, ये तो बस ये बच्चों के स्कूल का टाइम होने वाला है, हमें फिरते फिरते भूख लग गई, तो बस यहाँ से हल्का सा लाइट सा कुछ खाएंगे और फिर वसीम को घर ड्रॉप करके सीधा बच्चों को स्कूल से लेने जाऊँगी। और कल फिर मैं और लाइबा आएंगे, मेरे अभी थोड़े काम रह गए हैं, अभी बस लाइबा की कटिंग करवाई है आज मैंने। हाँ चेन्नई डोसा, कल लाइबा को मैं डोसा डोसाऊँगी या लाइबा के साथ थोड़ा मैं टाइम स्पेंड करूँ। गूस पे ना गूस पे वो मेरी फाउंडेशन चेक करके लाइबा को पूछो, मुझे इतनी खांसी लगी लाइबा मेरी आंखों में से पानी, और वो मुझे पूछे तुम ठीक हो? ठीक हो लाइबा, जल्दी से गई भागती, पानी मैंने सारा खत्म कर दिया, इतनी मुझे खांसी का जो थोड़ा नहीं आता। मामाज आइज वर रेड, आंखें लाल हो गई, आंखों में से पानी, मुंह लाल, लाइबा डर गई। मैं लाइबा से कहा तो वो ज़्यादा हो सही नहीं बहुत ज़्यादा कितना मुझे तो ऐसे सांस ना मेरा वो ज़्यादा खराब है ना, स्टेप पर फिर थोड़ी हल्की सी बाहर निकले हो तो कितना डर लगता है। ये मेरा है, ये मेरा है, टीना वाला मेरा, टीना वाला पापा का है, उसमें नहीं है ना, फिर वो टमाटर शमाटर की क्या यार ये बड़ा जबरदस्त है लाइबा, ये चिकन वाला भी ट्यूना तो मेरे को लिखी है ना मेरी डाइट में। लाइबा दिखाओ सैल्मन लाइबा, इधर करो हेडक कॉड, नाइस है, इतनी नहीं है बेटे चीज, बहुत बहुत हल्की सी है। हां ठीक है ठीक है, सूखी वाला मेरे लिए प्लेन है ना बिल्कुल, यहां पे भी आना चाहिए ना। ये देखो हमारी कॉफी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपका भी है मेरा। हाँ अरे वाह लाइबा का हार्ट वाला, पापा की नॉर्मल चाय है और कॉफी लाउड में ना बीन वाली, पापा ब्रू एज लॉन्ग एज यू वांट, इतना बैग अंदर देखो पर वो छोटा है ना। हाँ नहीं ये वाला ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ पे जी वसीम साहब अपने लिए चाय बना रहे थे, कावे का कलर देखें ज़बरदस्त था माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे जैसे हम घर में बनाते हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा हम लोगों ने इन्जॉय किया। और बस फिर यहाँ से निकले हम करके क्या कह लें, नाश्ता ही कह लें, साडा नाश्ता ही सी। तो यहाँ पे जी ये ऊद थे और ये बड़ी ज़बरदस्त खुशबू थी इनकी, और लाइबा यहाँ पे ये टेस्ट कर रही थी, क्योंकि लाइबा की बर्थडे आ रही है तो मुझे था कि मैं उसकी पसंद का उसको कोई प्रेजेंट ले दूँ। तो बस वसीम हमें छोड़ के चले गए थे घर, उन्होंने कहा बच्चों को मैं पिक कर लूँगा, आप दोनों माँ बेटी आराम से घूमो फिरो। और यहाँ पे समर के कुछ ड्रेसेस लगे हुए थे, लॉन्ग ड्रेसेस बच्चियों को माशाल्लाह बड़े अच्छे लगते हैं, और यहाँ से देख रहे थे कि अब कौन सा लेना है, मुझे पिंक वाला पसंद आ रहा था, लाइबा को ब्लू वाला पसंद आ रहा था, तो पर लाइबा ने कहा कि नहीं मैंने नहीं अभी लेना, कल आएंगे तो कल देखेंगे, क्योंकि वो थक गई हुई थी, तो जब बंदा थका हो ना तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आती। अरे जी हम घर खैर से, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बड़ा मज़ा आया, बस लाइबा थक गई थी, मैं तो टूट गई पैसा, तो मैंने कहा चलो कुछ काम रह गए हैं वो इंशाल्लाह कल सुबह फिर आएंगे बच्चों को स्कूल छोड़ के, तो फिर हमारे पास काफ़ी टाइम होगा। आज खैर हम निकले ही लेट थे ना, लेट निकले थे, वीकेंड भी हमारा बिजी है, तो बस बहुत बिजी होने वाला है। और देखिए मेरा कल व्लॉग भी नहीं लगा,
तो अब ये देखें किस दिन लगेगा। नहीं, कल तो लग गया। और ये है जी मेरी एस्टी लोडर की जो है फाउंडेशन, जो कि मैं यूज़ करती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसका नंबर है 3N1। और ये उसके साथ मैंने आज कंसीलर भी, उन्होंने खुद ही सजेस्ट किया था, जो लेडी थी ना उनको मैंने कहा कि मेरे थोड़ी पिगमेंटेशन है तो बताएं कि उसको मैं कैसे हाइड कर सकती हूँ। तो 3N का जो है ये कंसीलर था, और ये जो पंप है वो फाउंडेशन के ऊपर लगाने के लिए, ये भी मैंने ले लिया, क्योंकि वो फिर जो मुक जाए ना एंड निकल दी नहीं। और ये वाला है जी सन ब्लॉक, जो कि मैंने अब यूज़ करना है, और हमारी एज के लिए जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है, और ये बूट से मिलता है। और बस ये आज सारा दिन तो हमारा टाउन में गुजर गया, और फिर शाम को बच्चों ने कहा जी हमें ट्रीट चाहिए मामा, गाड़ी की ट्रीट अभी रहती है, तो मैं कहा चलो आज चलते हैं सी नैंडोज़। तो हम टाइम पर आ गए, हमें टेबल भी मिल गया, बच्चे बड़े खुश हुए कि कोई हमें वेट नहीं करना पड़ा। तो बस बच्चों को तुसी कह दो ना कि हमने आपको लेके बाहर कहीं जाना है, जिन्नी देर तक तुसी उन्होंने लैके जाओगे नहीं ना, उन्होंने तुहानू पूछ ही जाना है बार बार कब जाना है, या जब मोटरवे पे कहीं जा रहे हो, स्पेशल जब इनकी किसी खाला के घर जा रहे हो ना, तो ये पूछ ही जाते होते थे जब छोटे होते थे ना, कितना रह गया है, कितना दूर है। तो ऐसे जो है ना बच्चों के सवाल नहीं खत्म होते थे। Still, the feeling is there, you know, that you have the privilege of having a look at the menu. अच्छा भाई खैर जो हूँ ना, ये family platter करती हूँ, और इसके साथ sticks जो है side bowl, चंगे बच्चियाँ आपको दिखा रहे हो जिन्हें ना lemon and herb, है ना lemon and herb. Lemon and herb क्या है? हाय हाय. Lemon and herb खा रहे जाता है. तो बस यहाँ पे यही डिसाइड हो रहा था क्या खाना है, कौन सा फ्लेवर करना है। वसीम के लिए तो हम प्लेन वाला कर देते होते हैं, साथ में अगर उनको चाहिए तो वो सॉस वगैरह डाल लेते होते हैं, और बच्चों के लिए जो है ना हमेशा हम करते हैं लेमन एंड हर्ब या मीडियम वाला। तो बस हर दफ़ा जो है डिफरेंट करते हैं, ताकि डिफरेंट टेस्ट आना चाहिए, सेम खा के ना तुसी बोर हो जाते हो। तो बस यहाँ पर हमने स्टार्टर जो है, इनके पास लूमी फ्राइज़ होते हैं और स्वीट पोटैटो का होता है, वो बड़ा मज़े का होता है, डेयर टू शेयर का। तो वो ज़ैनब जो है उसको हर दफ़ा होता है कि मामा ये पहले जो है ना ये भी ऑर्डर करें। तो बस जी बाहर जब निकलें तो बच्चों से भी पूछना पड़ता है क्या खाना है, अपनी मर्ज़ी का नहीं तुसी ऑर्डर कर सकते, अपनी मर्ज़ी का जिस बच्चे का आप ऑर्डर कर देंगे ना उसका पूरा टाइम मुँह देखने वाला होता है। तो जो है ना शुरू में तो हम ऐसे ही करते होते थे, मुझे होता था कि नहीं ये जो है ना बच्चे पता नहीं खाएँगे कि नहीं खाएँगे या इनको नहीं आइडिया, तो मैं और वसीम ना अपनी मर्जी से इनका ऑर्डर कर देते थे जब ये छोटे होते थे। तो बस इन्ना देते मुँह पूरा हफ्ता मुँह ही बनया रहता सी, आप तब हमें लेके गए, आपने हमें ये खिलाया, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं था लगा। और यहाँ पे ये थी जी ब्रेड भी की साथ में इन्होंने, साथ में हुमस थी, और ये थे वो स्वीट पोटैटो वाले फ्राइज़, और साथ में जो थी हलूमी भी थी। तो ये तीन जो थे ना ये स्टार्टर बच्चों ने किए थे, और अब जो है ना इनको समझ लग गई हुई है। अनम अब्दुल्ला तो कहेंगे मामा जो मर्ज़ी कर दें, लाइबा जाना माशाल्लाह बड़ी हो गई हुई हैं, उनको पता चल गया हुआ है कि कौन सी चीज़ जो है ना सब खा सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमारा आ गया माशाल्लाह से फूड, और सब ने माशाल्लाह से बड़ा इन्जॉय किया। मैं कहा चलो जी ट्रीट होगी जान छुट्टी, और साथ में यहाँ पे कॉर्न भी किए थे, ये बड़े मज़े के होते हैं, साथ ये बटर देते हैं ना बड़ा मज़े का लगता है ये माशाल्लाह से। तो बस जी खाना खा के हम लोग निकले यहाँ से घर के लिए, तो देखें अभी कितना चानन है बाहर फिर। तो ये था जी 9:30 का टाइम, तो रोशनी चेक करो। तो चलें जी फिर मिलूंगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए कि गला ठीक हो जाए। इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।